हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फाइंड यार कुछ भी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सैमसंग के A50 के बारे में। आज हम आपको इसके देने जा रहे हैं यूज रिव्यूज। हमने इसको यूज़ किया है काफ़ी टाइम, और उसके बाद हम आपके साथ इसका फीडबैक शेयर कर रहे हैं। 15-20 दिन तक हमने इसको यूज़ किया, एंड हम आपको उसके बाद इसके रिव्यूज़ देने जा रहे हैं कि ये कैसी परफॉर्मेंस है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है वो आपकी अपनी कॉल होगी। में डुअल सिम है बाहर ही, यहाँ पे आप देखेंगे तो IMEI लिखा हुआ है। 5-6 वेरिएंट्स में आता है। जो कलर है हमने जो लिया था वो वाइट लिया था, थोड़ा सेक्सी लगता है देखने में, ठीक है। इसकी अनबॉक्सिंग, इसके पीछे के साइड जाएंगे बैक पैनल पे बॉक्स के, तो आप देखेंगे 4G LTE, ऊपर लिखा हुआ है इन्फिनिट यू डिस्प्ले, इन्फिनिटी ट्रिपल कैमरा है, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है, जो बहुत ही वाहियात है, एकदम बेकार है। ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट काम ही साला नहीं करता है, सो प्लीज डोंट गो फॉर दिस। 4G है, 5G नहीं है अभी फिलहाल। 5G इंडिया में मे बी लॉन्च हो जाए जल्दी, तो अगर आप सोच रहे हैं 5G के साथ तो ये फ़ोन नहीं है उसके लिए। 6.4 इंच में है आपकी इसकी जो स्क्रीन है, SAMOLED है, स्क्रीन अच्छी है, इस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी है। ट्रिपल कैमरा है, जो रेयर कैमरा है पीछे वाला वो उसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं, तो थोड़ा अच्छा काम करता है। 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, मे बी इन्होंने लिख रखा है 25, बट 25 लगता नहीं है वो। हाँ, बट मच बेटर देन अदर कैमराज, तो अदर फोन्स के हिसाब से इस रेंज में बेटर है। 64 GB एंड 4 GB RAM, तो 4 GB RAM के लिए बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस होती है। 6 GB पे जाइएगा, हमने 4 GB लिया था, बहुत स्लो है, और वो एक्चुअल में लिया इसीलिए था कि उससे पता चल सके कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है आप देख सकते हैं। इसमें एक सिम कार्ड ओपनर जो पिन है वो सिम कार्ड ट्रे ओपन करने के लिए वो लगी हुई है। साथ में ये ईयरफोन्स मिलते हैं पुराने जमाने के, ठीक है, बाबा आदम के जमाने के, जो अभी तक भी सैमसंग बेच रहे हैं, शायद एक्स्ट्रा बन गए थे। इसमें एक बेकार सा घटिया सा बैक कवर मिलता है, वारंटी कार्ड है, एक रीजनल लॉक गाइड है, और फिर आपको एक क्विक गाइड मिलती है, ठीक है। सो ये क्विक गाइड है। हाँ, तो हम आपको बताने जा रहे थे कि ये फोन बहुत ही स्लो है 4 GB में, तो 4 GB में बिल्कुल मत लीजिएगा। इस फोन की रेंज में 18,490 का ही हमें अमेजोन से पड़ा था, फिलहाल अगर आप सेल में लेंगे तो मे बी 17,000 का आपको पड़े, तो प्लीज इन्वेस्ट 1,500-2,000 रुपए एक्स्ट्रा आपके खर्च होंगे, और आप 6 GB RAM के लिए जाइए अगर आप यही फोन पे स्टिक रहना चाहते हैं। एम सीरीज से काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, तो एम सीरीज मत लीजिएगा, क्योंकि ए सीरीज इज मच बेटर देन एम सीरीज। तो एम सीरीज में खाली बैटरी के लिए अगर आपको जाना है कि बैटरी चाहिए बैटरी चाहिए, तो बैटरी ले लीजिए, बैटरी इसमें भी 4000 mAh है, तो बेकार नहीं चलती है, काफी अच्छी चलती है। सी टाइप का इसमें चार्जर लगता है, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ा सा फोन का दिखा देते हैं कि फोन की हालत क्या है आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज कैसी होगी हालत फोन की। तो ये देखिए, ये वो महाशय व्हाइट फोन है जिसपे आप विवग्योर कलर में मतलब इंद्रधनुष देखेंगे, अगर आप ऐसे उसको घुमाएंगे तो देखिए बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे बैक में तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा है, आई ट्राई टू जूम इट आउट कि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है, ये ट्रिपल कैमरा, नीचे फ्लैश है छोटी सी। फ्रंट में जाते हैं तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा है, राउंडेड कॉर्नर्स हैं, ठीक है, और ये स्क्रीन है 6.4 इंच, मैंने अपने हाथ में पकड़ी है, बहुत बड़ा हाथ है, उसके बाद देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी आपको बता देते हैं कि ये देखिए इस फोन की हालत कैसी होगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन में कितने क्रैक्स हैं, आप गिन भी नहीं पाएंगे, इतने क्रैक्स आ गए हैं। और ये एक बार मेरे हाथ से छूटा था, और एक बार छूटने के बाद आई एम नॉट एबल टू मेक इट वॉक, स्क्रीन भी ऑन नहीं हो रही है, ठीक है, ये देखिए, और ये चार्जिंग भी नहीं ले रहा साला, एकदम बेकार हो गया है। तो अगर आप ये फोन लेना चाहते हैं मतलब ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल गिरने के बाद तो रिलायबल है ही नहीं। आप देखेंगे कंडीशन कितनी बढ़िया है, एक बार गिरा ये ऐसे करके, ऐसे शायद गिरा था, उल्टा गिरा था स्क्रीन से, उसके बाद से ना चार्जिंग ले रहा है ना स्क्रीन ऑन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है मतलब इसमें। सो वी डोंट नो इसमें ऐसा अंदर क्या लगाया हुआ है इन्होंने कि जो इतनी जल्दी बेकार हो गया। सो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा ध्यान से इसको रखें अगर आप खरीद रहे हैं तो। मैंने जब तक इस पे स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगाया था, टेम्पर्ड ग्लास, तो इसके लिए स्क्रीन भी जल्दी जाएगी, बट मुझे लगता नहीं गिरने के बाद ही इतना बुरा हाल हो गया, अंदर तक हिल गया तो स्क्रीन का करता क्या मैं, अगर बच भी जाती तो।
सैमसंग सेंटर पे जाएंगे सर्विस सेंटर पे, तो वो आपको बोल देंगे कि आपने ये तोड़ लिया है तो इसके बाद हम अब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी आप सही कराना चाहते हैं तो 15,000 से 16,000 रुपए खर्च होंगे, तो आप नया ही फोन ले लो, ज्यादा बढ़िया है। तो कोई फायदा नहीं है इसका, मतलब वो कैमरा, ये सेंसर्स, एवरीथिंग उनके लिए सब बेकार है। 15,000 से 16,000 रुपए में इसको सही करके देंगे, इससे बेटर है कि मैं एक नया फोन ले लूं थोड़े पैसे मिला के। तो ये थे सैमसंग के यूजर रिव्यूज, यूज्ड रिव्यूज, जेन्युइन हमने आपके साथ शेयर किया है जेन्युइनली। अभी 15 से 20 दिन हुए हैं, मैंने ये 12 सितंबर को खरीदा था एंड टुडे इज ऑलमोस्ट 30th September, सो 2019 30th September। सो आप ध्यान से जाइएगा इस फोन को अगर आपको खरीदना है तो, 6 GB का एटलीस्ट लेना अगर आप संभाल सकते हो। मैं नहीं संभाल पाया तो टूट गया, काम ही नहीं कर रहा। थैंक यू, होप यू लाइक अ वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।